मुझे कहते हो कि मैं अनुषा का नाम अपनी जुबान से ना लूं और खुद उसकी तस्वीरों में घूमो। डिलीट क्यों नहीं कर देते तुम उसकी सारी तस्वीरें? क्यों रखी है संभाल के अभी तक? क्यों अपने जख्मों को कुरेदते रहते हो तुम हारिस? हारिस, हारिस, अम्मी मैं उसकी तस्वीर इसलिए नहीं देख रहा था कि मुझे उससे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए देख रहा था कि मैंने उसके पीछे अपनी जिंदगी के इतने साल क्यों बर्बाद किए। बर्बाद हुए नहीं हो, बल्कि अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हो तुम। न जाने, मुझे तो ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में अभी भी तुमने उससे अपना ताल्लुक बना के रखा है। भूल क्यों नहीं चाहते तुम उससे बेटा? और तुम यहाँ पर आए हो, अपने आप को बंद कर लिया, कैद कर लिया इस घर में, बाहर जाओ, लोगों से मिलो। अम्मी मुझे यहाँ का माहौल नहीं पसंद और ना ही यहाँ के लोग। सब अजीब है। हारिस, मैंने तुमसे नहीं कहा था यहाँ आने को, तुम खुद आए थे ना? जी हाँ, मैं खुद आया था। मैंने सोचा था मुझे कुछ चेंज मिलेगा, नए लोग मिलेंगे जिंदगी में, मगर मैं डिस्टर्ब हो गया उल्टा यहाँ पर आकर। जिससे मिलो वो निकाह का किस्सा छेड़ देता, सब कुछ जानना चाहता और उसके बाद एक नया रिश्ता लाकर खड़ा कर देता। तंग आ गया हूँ मैं। शादी तो करनी है ना तुम्हें, फिर शादी के नाम पे तुम इतना चिढ़ने क्यों लगे हो? जब होगी तब देखी जाएगी, मगर अभी नहीं करनी है, कह चुका हूं मैं। हारिस, तरस खाओ मुझ पर खुदा के लिए। तुम मेरी अकलौती औलाद, मेरी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता है। क्यों जुल्म कर रहे हो अपनी माँ पर? मुझे मुझे आखिर अपनी ये खुशी कब देखने दोगे तुम? अम्मी क्या हो गया, क्यों मायूस हो रही है? हो जाएगी शादी, कब होगी हारिस? आखिर कब तक इंतजार करो, कब तक? ये तो तय है कि मैं शादी यहां नहीं करूंगा। हम एक दफा पाकिस्तान वापस जाएं, फिर कुछ सोचूंगा।